हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट की है। क्या खास है, क्या सिखाऊंगा, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। ये जो हेडिंग है, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से इसको बना लेता हूँ बोल्ड। तो ये बना लिया बोल्ड। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी डेट्स लिखी हुई है। अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है केवल डे को, यानी कि दिन का नाम आए, आप ये चाहते हैं कि दिन का नाम आए और पूरा पूरा लिख के आए, जैसे अगर सैटरडे हो तो सैटरडे आए, संडे है तो संडे आए, लिख करके आए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गूगल शीट में इज इक्वल टू टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाइए, TEXT। ये टेक्स्ट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, ये फॉर्मूला लगाइएगा, काम करेगा बहुत अच्छा। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया इस वाले सेल को, क्योंकि इसी में तो हमारी डेट लिखी हुई है ना। अब यहां पर क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हम इसमें से डे का नाम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, माने दिन का नाम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो डबल इंटेड कॉमा लगाना है। और डबल इंटेड कॉमा में क्या लिखना है आपको, आपको फोर टाइम लिखना है, पूरा नाम लाना है ना, तो फोर टाइम लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए, आधा नाम लाना है तो थ्री टाइम लिखिए, नहीं तो फोर टाइम लिखिए। तो ये फोर टाइम लिखा हमने, बंद किया ब्रैकेट को, एंटर प्रेस किया, ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर ये आ चुका है। अब इस पे इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक लेके जाता हूं, देखिए सबका आ जाएगा। तो सारी दिनों का नाम आ गया है, देख सकते हैं आप, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। पहले चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करना जरूरी है कि भाई ये लिखा हुआ है 22/5/2021। देखिए ये जो बीच वाला है ना 22, ये आपका क्या है, दिन है, मतलब डे, यानी कि तारीख 22 है, महीना 5वां है और 2021 ईयर है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये किस फॉर्मेट में लिखा है, ये MMDDYY के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट यही फॉर्मेट होता है। चलिए बात करते हैं कि 22/5/2021 को कौन सा दिन था। तो यहां पर मैं अपने सिस्टम का जो कैलेंडर है इसको थोड़ा सा पीछे लेके आता हूं और हम चलते हैं मई में। ये देख सकते हैं 22 तारीख को सैटरडे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, देखिए ये 22 तारीख है और ऊपर सैटरडे दिखा रहा है ना, तो सैटरडे तो है। अब देखिए 22/6 की बात करते हैं, यानी कि अब बात करेंगे हम जून की, तो थोड़ा सा आगे आएंगे और अब 22 तारीख को आ जाते हैं जून में। तो ये देख सकते हैं ट्यूसडे है कि नहीं है, ये देखिए यही है ना, ऊपर ट्यूसडे दिखा रहा है और यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट में क्या है, ट्यूसडे ही तो है। तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ आप डेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत आसान फॉर्मूला है। अगर आपको जरूरत है मंथ के मंथ की जरूरत है, मंथ को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है, तो घबराइए मत, वो भी बता रहा हूं। देखिए टेक्स्ट लगाइए, TEXT लगा दिया। अब क्या करना है आपको, यही डेट सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट कर लिया। अब आपको फोर टाइम क्या लिखना है, डबल इंटेड कोट्स में MMMM, तो फोर टाइम लिखिए, पूरा नाम चाहिए ना। तो ये देखिए ये मई आ गया और सजेस्टेड ऑटोफिल तो दे ही रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें आ रही है लिख करके, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे हो रहा है। अब देखिए यहां पर आता हूं, हालांकि 2021 और 22 दो ही इयर्स मैंने यहां इनपुट किए हैं। तो चलिए आइए अब फिर एक बार और टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं और अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यानी कि हमने अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद डबल इंटेड कोट्स को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद करना क्या है, ओपन करने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, फोर टाइम लिखना है वाई, थ्री टाइम नहीं लिखना, फोर टाइम लिखना है वाई, ठीक है। आप थ्री टाइम लिखिए, फोर टाइम लिखिए, टू टाइम लिखिए, ठीक है। अगर आधा आपको ईयर देखना है तो आप टू टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, और पूरा देखना है तो थ्री टाइम लिखिए या फोर टाइम लिखिए, बात तो बराबर ही है। तो चलिए इस बार हम फोर टाइम लिख लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ईयर को भी एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है इजिली। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इस तरह की ट्रिक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।